अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर होंगे। हमारे वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में कुछ कैमरा हमारा क्लोज है एंड माइक वो भी है, मैंने आउटपुट लगाया मतलब इंटरनल लगाया हुआ, तो वैसे एक्सटर्नल माइक रहता मतलब कि कपड़े के नीचे से रहता है। लेकिन क्यों रहता है, क्योंकि आज आपको मैं माइक बताने वाला हूँ। तो बग़ैर किसी मतलब के दूरी के हम अपने प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं, क्योंकि यार ये माइक जो है पहले मैं यूज़ करता रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे जाते हैं तो आई थिंक सो 100 में से पीछे पीछे जो वीडियोस हैं वो सारी जो हैं इसी माइक से, जो अभी आप देख रहे हैं इसी माइक से बनी हुई हैं। तो आज का जो माइक है सस्ता भी है एंड और इंटरेस्टिंग माइक भी है। कैमरा आपको थोड़ा क्लोजली क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और माइक छोटा होने की वजह से कैमरा थोड़ा क्लोज है एंड ये जगह यहाँ से आपको देख रही होगी जस्ट इसी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से फिर से हम अपना दूसरा माइक यूज़ करेंगे एंड सब कुछ वैसा हो जाएगा। तो दराज से मैंने माइक मंगवाया, बोया का माइक है, क्योंकि इसे मैं पहले भी यूज़ करता रहा हूं, और यूज़ करने के बाद प्रॉपर रिव्यू मैं इस माइक का कर रहा हूं। और ये माइक बजाते ख़ुद मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इसी वजह से मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूं। तो लो भाई, पैक हो गया माइक, कुछ इस तरह का माइक हमें मिलता है। इस प्रोडक्ट का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। किट है साथ में, हमें सेलर अपना जो है वो छोटा सा मतलब कि बिल दे रहा है, वैसे बिल देते नहीं है बट इसने यहाँ पर रखा है, तो वेल एंड गुड। दराज से मैंने मंगवाया, लिंक जो है प्रोडक्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा पैकिंग में मतलब काफ़ी अच्छी पैकिंग में लगता है। तो बोया का यहाँ पर लिखा है भाई, बोया का जितनी भी मार्केटिंग होती है ऊपर है, माइक यहाँ पे है, B1M1 प्रोडक्ट का नाम है, और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें वो सब यहाँ पर गिवन दी है। साइड पे हमें यहाँ पे बोया का फिर से लोगो वगैरह और सब देखने को मिल रहा है। बैक साइड पर अगर देखें हम तो बैक साइड पर हमें इस प्रोडक्ट की जितनी भी फीचर्स हैं वो हमें गिवन दिए जाते हैं, जैसे क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन, DSLRs, कैमरास मतलब के ऑडियो रिकॉर्डर, PC एटसेट्रा सब में चलता है ये, और ऑडियो लो हाई जो भी है सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। आप एक बार जब इसे लेंगे तो ज़रूर पढ़ लें, अगर नहीं लेना तो तब भी मैं ये मैंशन कर दूँगा स्क्रीन पर, आप वहाँ पर इतनी देख सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो जल्दी जल्दी बनाना चाह रहा हूँ। और जल्दी बनाने की ये वजह है कि ताकि आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना करिए वीडियो, और छोटी वीडियो बने। तो उसके अलावा बोया का यहाँ पर हमें एक स्टिकर सा एक QR कोड दिया जा रहा है। QR कोड के नीचे देखें तो यहाँ पर कुछ स्क्रैच कोड का भी ऑप्शन दिया जा रहा है, और ये मेरे ख्याल सिक्के से होगा, तो नाखून से ये हो नहीं रहा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग काफ़ी मजबूत है। तो अब ज़रा माइक को हम यहाँ पर ओपन करते हैं। तो माइक की पैकिंग अगर इस बॉक्स की बोलूँ, पैकिंग के पे अगर मैं आपको, काफ़ी अच्छी पैकिंग इसकी है, और कुछ माइक हमारा इस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा हमें यहाँ पे बोया का माइक की जो अंदर इंटरनली चीज़ें गाइड कॉपी दी जाती है वो कुछ है, जो कि पढ़ता तो कोई नहीं है बट अगर आपने पढ़नी है यार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा हमें यहाँ पे हमारा माइक कुछ इस तरह से हमें मिलता है। तो माइक पर हम लोग बाद में आते हैं, उससे इसके साथ हमें जो चीज़ें प्रोडक्ट मिलती है मतलब कि काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट हमें कम प्राइस में मिल रही है, दैट्स वाई कि मैं आपको ये चीज़ ये प्रोडक्ट बता रहा हूँ। और बोया का जो है कुछ एक्स्ट्रा वो माइक का नहीं, आप जो साथ माइक के लगाते हैं और माइक को पैक करते हैं वो ये यहाँ पर एक गिवन दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर इसमें है कि आपको इस माइक के साथ वो जो बड़ी साउंड सिस्टम होता है उसके साथ भी लगा सकते हो, बड़ा माइक जो होता है ना तो उसके साथ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जो लोग यूज़ करते हैं उसे पता है। साथ में हमें एक सिम इजेक्टर टूल पिन दी गई है, पता नहीं ये किस लिए दी गई है, और साथ में हमें एक सेल दिया गया है जो कि घड़ी में भी पड़ जाता है और आई थिंक सो इसमें भी पड़ता है, और क्या फंक्शन होता है वो तो मुझे अभी पता नहीं है। तो साथ में हमें एक्स्ट्रा जो है वो माइक, एक्स्ट्रा तो नहीं है, माइक के ऊपर जो वो साउंड क्लियर करने के लिए हमें आई थिंक सो ये दी जाती है, ये भी प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर अब हम अपना माइक ओपन करते हैं। माइक की बाई दी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो लेंथ हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कितनी लेंथ है। तो माइक की जो लेंथ है वो एग्जैक्टली यहाँ पे मेजर नहीं की गई, नहीं बताई गई हमें, तो जो मुझे पता चलते मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इसकी लेंथ कितनी है। तो अब यहाँ पे हमें माइक दिया जाता है, माइक की यहाँ पे जो ये बड़ी वाली चीज़ है जो कन्वर्ट करती है आई थिंक सो कैमरा एंड जो स्मार्टफोन है उनका सेपरेट यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया। अगर आप इसको ऊपर करते हैं, क्योंकि कैमराज लिखा हुआ है, कैमरे के अगर नीचे आप इसे वो करेंगे स्विच करेंगे तो आपका स्मार्टफोन यहाँ पे लग जाएगा। और एक मज़े की यहाँ पर बात यह है कि आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे
जो हमें वो एक्स्ट्रा सेल दिया गया, तो वो सेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, आई डोंट नो इसका क्या फंक्शन है, बट इसका फाइंड ज़रूर करूँगा मैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो इस माइक की अगर मैं बात करूँ तो इस माइक के अंदर जो चीज़ें हमें प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे रैम प्रोवाइड की जा रही हैं, वो भी इस दौर में तो काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से ऐसा माइक हमें यहाँ पर ये वाला मिलता है जो कि कम रेंज में आता है एंड बहुत ज़्यादा हमें प्रीमियम क्वालिटीज़ प्रोवाइड करता है। कॉपी है या ओरिजिनल है ये भी आगे जाके आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जो इसकी वायर है, वायर की अगर बात मैं करूँ तो वायर इसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वायर है। और इसकी वायर की अगर मैं लेंथ की बात करूँ ना यार, तो मेरा रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ईजीली मैं इस माइक को तार जो है इसकी वायर है यहाँ से हमारी वायर आ जा सकती है। तो मतलब के वायर के लिहाज से आपको कोई टेंशन परेशानी होने वाली नहीं है। तो मैंने मंगवाया ही इसलिए था क्योंकि जो मेरा ये वाला माइक है जो कि डायरेक्टली अभी चल रहा है, तो इसकी वायर कम होने की वजह से मैंने ये माइक मंगवाया। वैसे मुझे ये वाला माइक चाहिए नहीं था क्योंकि मैं एक्सटेंडर भी इस माइक के साथ लगा चुका हूँ, बट कोई एक्सटेंडर काम नहीं कर रहा। तो मैंने 4 से 5 एक्सटेंडर मंगवाए, केबल लेंस मंगवाई, लेकिन ये माइक किसी के साथ भी काम नहीं किया। या मेरे मोबाइल में थोड़ा फॉल्ट होगा क्योंकि जो एक्सटेंडर है उनको नहीं उठा रहा शायद, दैट्स द रीज़न कि फिर मुझे बोया का जो माइक है मंगवाना पड़ा। उसके अलावा यहाँ पे हमें जो ये जो चीज़ होती है ये भी सेपरेटली हमारे इस जो पैक हमारा छोटा आ रहा है इसमें पड़ी होती है, तो आप इसको सेपरेट ईजिली यहाँ से कर सकते हैं, ये ईजिली सेपरेट हो जाता है। अगर आपने एक बार इसको लगा लिया तो बार बार इसको उतारिएगा नहीं, क्योंकि यार ये चीज़ ख़राब हो जाती है। उसके अलावा आप माइक का ये जो फॉर्म्स है इसको भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं like that, तो ये आपका फोन भी अटैच हो गया। तो मैं इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करता, डायरेक्टली इसको लगा देता हूँ तो तब भी चलता है, लगाना वो आपको तब भी चलता है। तो उसकी जो वायर है काफ़ी सॉलिड वायर मुझे लगी है और काफ़ी ज़बरदस्त प्रीमियम क्वालिटी का मुझे माइक लगा है। तो अब एक खासियत जो इस माइक की मुझे लगी, और मुझे क्योंकि माइक चाहिए था अपने लिए और मुझे माइक मंगवाना भी था, मैंने 2 दिन के सर्च के बाद आखिर माइक ये वाला मंगवाया। क्यों मंगवाया, क्योंकि यार एक तो इसकी प्राइस क्वालिटी प्राइस लो थी और दूसरी इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी और मतलब के लोगों के जो रिव्यूज़ थे काफ़ी अच्छे थे, दैट दी रीज़न, एक ये भी रीज़न है मेरे ये माइक मंगवाने के लिए। तो अब ओरिजिनल अगर आप मंगवाते हैं ना, ओरिजिनल आपको पड़ता है 1800 to 2000 के आसपास मिलता है आपको, कोई 2500 का भी दे रहे हैं, कोई 3000 का भी दे रहे हैं, कोई 3500 का भी दे रहे हैं, बट ये माइक मैंने मंगवाया है 1050 rupees। येस ऑफ कोर्स, मैंने जस्ट 1050 rupees का ये माइक दराज से ऑर्डर किया है, और दराज पे जहाँ पे जिस सेलर से मैंने माइक ऑर्डर किया है उसी सेलर के एक ही पेज पे आपको 2 माइक देखने को मिलते हैं, जहाँ पे वो या मास्टर कॉपी है जो कि ये वाली मास्टर कॉपी है, एंड जो सेपरेट साथ में आपको दूसरा माइक दिया जाता है वो ओरिजिनल है, जो कि आई थिंक और 1800 के आसपास उसकी कीमत आ रही थी, क्योंकि मैंने 1 महीना पहले मंगवाया था, तो हो सकता है अब उसकी प्राइस ऊपर नीचे हो गई हो। बाय द वे ये प्राइस का जो अभी तक मैंने प्राइस देखी 1050 rupees ही है इंक्लूडेड शिपिंग का डिपेंड करती है आप कौन सी सिटी से, और हर सिटी की सेपरेट शिपिंग आती है, और मेरी आई थिंक 80 rupees के आसपास शिपिंग आई थी एंड टोटली बन गया था ये 1100 something rupees बन गए थे। एग्जैक्ट अमाउंट मैं चला दूंगा यहाँ पे, पिक्चर भी आपको अपनी ऑर्डर की स्क्रीनशॉट दे दूंगा यहाँ पे। मेन फीचर इसका ये भाई, कम प्राइस में मास्टर कॉपी हमें मिलती है, और मास्टर कॉपी ऐसी ज़बरदस्त मिलती है यार कि मैं क्योंकि इसे यूज़ कर चुका हूँ, मुझे लगा नहीं था कि ये जो है ज़्यादा टाइम जो है वो काम करेगा, बट अभी तक A1 चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, और प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैं माइक यूज़ कर चुका हूँ, 100 से अबव जितनी मेरी वीडियोज़ हैं वो इसी माइक से बनी है। आई थिंक 98 से मैंने इस माइक की वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, और काफ़ी अच्छी माइक है क्योंकि केबल लेंथ भी इसकी काफ़ी हो रही है, इंटरनली आपका जो माइक है काफ़ी अच्छी तरह आपको मिल जाता है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, जस्ट इस माइक का बताने का मकसद ये था कि कम रेंज में आपको एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है दराज का जो सेलर है। मेरा उससे लेना देना कोई है ना, ही उसने मुझे बोला कि भाई आप मुझे प्रमोट करो, नथिंग एल्स, क्योंकि ये चीज़ प्रोडक्ट अच्छी है, मैंने मंगवाई है क्योंकि मुझे अच्छी लगी है, और इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर आउट कर रहा हूँ। तो होप सो आपको ये वाली वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।